इस वीडियो में हम जानेंगे वीडियो गेम्स से जुड़े कुछ डरावने अर्बन लेजेंड्स के बारे में। पोकेमोन गो। साल 2016 में आया ये ऑगमेंटेड रियलिटी मोबाइल गेम टीनेजर्स के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस गेम में पोकेमोन पकड़ने के लिए लोग बाहर मौजूद कई अनजान जगहों पर जाने लगे, पर इस गेम के कुछ प्लेयर्स जो अनजान जगहों पर जाकर कुछ अनोखे पोकेमोन पकड़ना चाहते थे, उन्हें जिंदगी की डरावनी सच्चाई का सामना करना पड़ा। दुनिया भर से आई कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक पोकेमोन गो के इन प्लेयर्स ने कुछ लावारिस लोगों की लाशों को ढूंढ निकाला था। ये कुछ ऐसे लोगों की लाशें थी जो कई दिनों से लापता थे। जांच के बाद सामने आया इनमें से कुछ लोगों ने आत्महत्या की थी और कुछ लोगों की हत्या की गई थी। आप सोच सकते होंगे कि क्यूट से पोकेमोन ढूंढने निकले पोकेमोन गो के उन प्लेयर्स पर क्या बीती होगी जिनका सामना सड़ी गली लावारिस लाशों से हुआ होगा। काउंटर स्ट्राइक। काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव इस पॉपुलर मल्टीप्लेयर गेम का एक कम्युनिटी मैप जिसका नाम है DE_Darkness, जिसके अंदर खेल चुके कुछ गेमर्स ने बताया कि इस अंधेरे मैप को खेलते वक्त उनका सामना एक डरावनी एंटिटी से हुआ था। दूर से देखने पर ये एंटिटी किसी काली परछाई की तरह दिखती थी और कुछ प्लेयर्स जो इसके पास जाने में कामयाब हुए थे उनके मुताबिक इसका चेहरा दिखने में एकदम भयानक था और इस पे गोली चलाने पर ये एंटिटी अचानक से गायब हो जाती थी और मैप के दूसरे किसी अंधेरे कोने में नजर आने लगती थी। CS:GO के कुछ प्लेयर्स ने ये भी बताया कि ये मैप खेलते वक्त इस एंटिटी ने उन्हें डराने के लिए उनका पीछा भी किया है। बैटलफील्ड 1। कल्पना करें कि आप देर रात अपने दोस्तों के साथ शांति से गेम खेल रहे हैं और अचानक से एक जोरदार चीख आपको सुनाई देती है जैसे किसी की जान जा रही हो, तो आपकी हालत क्या होगी। ऐसा ही एक वाकिया बैटलफील्ड 1 के कुछ प्लेयर्स के साथ पेश आया था जिन्होंने ये गेम खेलते वक्त किसी की दर्द भरी चीखें सुनी थी। ये अक्सर तब होता था जब प्लेयर्स अपनी डेथ के बाद अपने रिस्पॉन होने का शांति से इंतजार कर रहे होते थे। हॉल ऑफ टॉर्चर्ड सोल्स। ये उस जमाने की बात है जब लोग PC पे विंडोज 95 यूज किया करते थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 के MS Excel नामक सॉफ्टवेयर में अगर आप स्प्रेडशीट के 95th रो में जाकर सारे 95th रो को सिलेक्ट करके फिर कॉलम B में जाकर हेल्प अबाउट का बटन दबाते थे तो एक अजीब सा गेम ओपन हो जाता जिसका नाम था हॉल ऑफ टॉर्चर्ड सोल्स, जिसमें कई लोगों की तस्वीरें और उनके नाम दिखाई देते। ये वही लोग थे जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाया था और शायद इस सॉफ्टवेयर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने उन एम्प्लॉयज पर किए जुल्म का बदला लेने के लिए उन्होंने ऑफिस वर्क के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर के अंदर जानबूझकर इस गेम को छुपाया था। लुइजीज मैंशन। यूं तो मारियो सीरीज के गेम सुंदर और मनोरंजक होने के साथ साथ रोमांचक भी होते हैं, पर इस गेम के डेवलपर्स ने मारियो के छोटे भाई लुइजी के बारे में गेम बनाने की सोची जो डरावना और दुखी करने वाला था और जिसके आखिर में मारियो के छोटे भाई लुइजी की मौत हो जाती है। साल 2001 में आए लुइजीज मैंशन इस एक्शन एडवेंचर गेम में इसे रिलीज करने से पहले आखिरी वक्त में कुछ बदलाव किए गए थे जिससे मारियो सीरीज के फैंस का गुस्सा ठंडा किया जाए, इसीलिए गेम के आखिर में इस गेम के मुख्य किरदार लुइजी को जिंदा रखा गया, लेकिन जल्दबाजी में वो फांसी लेकर मर चुके लुइजी की परछाई को इस गेम के आखिरी स्टेज से हटाने में असफल रहे और गेम के फैंस को मजबूरन लुइजी की बेजान लाश की परछाई देखनी पड़ी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पर जरूर शेयर करें। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।